देखो, रिच दिखना जरूरी नहीं है सर, रिच बनना जरूरी है, क्योंकि आप रिच दिख करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, रिच बन करके पूरे करने हैं ना। और दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, रिच दिखने के रूल्स अलग हैं, रिच बनने के रूल्स अलग। रिच दिखने के रूल्स ये हैं कि आप जो भी कमाते हो, जो भी पैसा कमाते हो, उसको शॉपिंग मॉल्स में दे दो, उसको किसी जूते के ब्रांड को, कभी कपड़े के ब्रांड को, कभी किसी फोन के ब्रांड को दे दो चीजें खरीद करके, या फिर बैंकरों को दे दो लोन की ईएमआई के रूप में। कभी पर्सनल लोन ले लिया, कभी क्रेडिट कार्ड का लोन, कभी होम लोन। आपका पैसा आपके पास नहीं टिकेगा, दूसरों के पास जाएगा वो। तो ये तरीका होता है रिच दिखने का तरीका। आप लोन लेकर के अपना घर बना लेते हो, आप लोन लेकर के घूमने जाते हो, आप लोन लेकर के आईफोन खरीदते हो, आप लोन लेकर के वो अपना क्रेडिट कार्ड का कर्जा चुकाते हो लग्जरी मेंटेन करने में, या फिर आप शॉपिंग मॉल्स में अपने पैसे को खर्च करते हो। तो मतलब ये है कि ये सारा तरीका वो है जिससे आप अमीर दिख सकते हो। लेकिन क्या अमीर दिखने से सपने पूरे हो जाएंगे हमारे? हम जो ड्रीम, हम जो बनना चाहते हैं लाइफ में, क्या वो बन जाएंगे हम अमीर दिख करके? नहीं सर, उसके लिए अमीर बनना पड़ेगा। आपका सपना क्या है? एक खुशहाल लाइफ जीना, पैसों की कभी दिक्कत नहीं हो, माँ बाप के जो सपने रहे हैं उन सबको पूरा करना, पूरी जिंदगी ऐशो आराम से बीते, तो अमीर दिख करके नहीं होगा, अमीर बन करके होगा। और अमीर बनने का तरीका अलग। अमीर बनने का तरीका कहता है कि अपने पैसों को दूसरों को मत दो। दूसरों को देने का मतलब आप ईएमआई के रूम पे बैंकरों को दे देते हो, आप चीजें खरीदने के लिए किसी और को दे देते हो, दुकानदारों को, शॉपिंग मॉल्स पे देते हो। अमीर बनने का रूल ये कहता है कि अपने पैसे को पालना सीखो सर। जिस तरीके से आप बच्चे को पाल पोस करके जवान करते हो ना, और फिर बुढ़ापे में वो आपकी लाठी बनता है, उसी तरीके से पैसे को जब आप पालना सीख जाते, उसको पाल पोस करके बड़ा किया जाता है, तब जाकर के वही पैसा उसी बच्चे की तरह आपके बुढ़ापे की लाठी बनता है। शुरुआत में आप पैसे को पालोगे, बाद में पैसा जब इतना बड़ा हो जाएगा वो आपको पालने लग जाएगा। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन मिडिल क्लास दिखना नहीं चाहते। ज्यादातर मिडिल क्लास की पूरी लाइफ अपने आप को अमीर दिखाने में चला जाता है। मतलब उसको ये दिखाना है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ। है वो बेचारा मिडिल क्लास, लेकिन दिखाना उसको है कि मैं मिडिल क्लास नहीं हूँ, और इसी में पूरी जिंदगी उसकी खत्म हो जाती है। देखो सर, ये जो शो ऑफ का ट्रेंड है ना, ये शो ऑफ का ट्रेंड कहां से आया है? बॉलीवुड स्टार्स को देख करके, या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख करके? कोई बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, कोई महंगे फोन दिखा रहा है, कोई लग्जरी डेस्टिनेशन दुबई, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, पता नहीं कहां कहां घूम घाम करके दिखा रहा है, और हमारे को मनता हमें भी चाहिए सब, हमें भी करना है सब। सर एक चीज समझो, आप ना फंसे हुए हो और आपको फांसा जा रहा है। ये मिडिल क्लास ट्रैप इसी को कहते हैं। कैसे फांसा जा रहा है सर? एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब दिखाता है कि मैं स्विट्जरलैंड घूम रहा हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा हूं, या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है या हॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखाता है, तो सर उसके दिखाने का पर्पस समझो। उसके दिखाने का पर्पस ये है कि वो जब इन चीजों को दिखाता है तो उसको व्यूज मिलते हैं, उसको आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का अटेंशन मिलता है, और यही अटेंशन से उसकी कमाई बढ़ती है। नहीं, लेकिन आप जब उनको कॉपी करके, उनको तो भैया गाड़ी कोई ना कोई ब्रांड दे देता है, उनको कपड़े जूते आईफोन तो कोई ब्रांड दे देता है, उनको घूमने के लिए कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ब्रांड दे देता है, आपको कौन देने वाला? आप तो अपने पैसे से ईएमआई पे खरीदोगे ना। और आपको ये सब कर करके आपका पैसा घटेगा बैंक में या बढ़ेगा बताओ? उसका पैसा बढ़ेगा। वो जब दिखा रहा है लग्जरी डेस्टिनेशंस, लग्जरी वेकेशंस, लग्जरी कपड़े, लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी फोन्स, ये सब दिखा दिखा के उसका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन आपका पैसा ये सब दिखा दिखा के पैसा घट रहा है। इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते? इतने साल से यही सब किए जा रहे हो।